वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम करने लगे 10.4 एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 10th यूनिट 10। और फिर वो ये कह रहा है कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है मून पे। मान लो इस वक्त मैं किधर खड़ा हूँ, मून पे हूँ मैं, इस वक्त अर्थ पे नहीं हूँ। और वहां पर मेरे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 2.0 मीटर, ये गिवन डाटा है। और उसको जो टाइम पीरियड लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करते हुए, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ और ये यहाँ से वहां तक जा रहा है अभी, तो टाइम कम लगेगा क्योंकि मैं तो अर्थ पे हूँ। लेकिन अगर इसको यहाँ पे टाइम कितना लग जाता है, 7.0 सेकंड लग रहा है। और इस बॉब का जो वेट है वो मेरे पास 1.0 किलोग्राम है। अच्छी बात है, जब उसने डायरेक्ट हमें किलोग्राम में दे दिया, नहीं तो हमने ऐसा यूनिट चेंज करना होता। अगर वो हमें ग्राम में देता तो इसको फिर हम किलोग्राम में चेंज करते। और लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने फाइंड करना है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है मून पे, कि वहां पे कितने ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अगर मेरे पास यही सारा कुछ हो। तो हमें पता है जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में ड्राइव कर चुका हूँ, वी नो दैट टी इक्वल टू 2π√L/g। सो टी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, ठीक है। तो दो चीजों पे क्या करता है, टी डिपेंड कर रहा होता है। अब मुझे फाइंड करना है जी, तो जब मैंने जी फाइंड करना, मैं इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करूंगा, इसको शफल कर दूंगा ताकि मेरे पास जी, मैं पहले क्या कर लूं, जी निकालना, तो मैं इसको जी के मुताबिक अपने लिए रीअरेंज कर लूंगा। तो यहाँ लिख लेना रीअरेंज, मेरे पास जगह थोड़ी कम है। तो जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा बच्चों, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं सबसे पहले इस पर क्या ले लूंगा, स्क्वेयर ले लूंगा ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पर मैंने क्या ले लिया, स्क्वेयर, ताकि इसको मैं ये जो रूट है इससे बाहर निकाल सकूं, आजाद करा सकूं, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास टी स्क्वायर बन जाएगा, ओके। और यहाँ पे जब स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, देखो स्क्वायर होल ब्रैकेट पे, तो 2 पे भी आएगा, पाई पे भी आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। वेल डन, यहाँ पे मेरे पास 4 हो जाएगा और पाई पे भी आ जाएगा पाई स्क्वायर, ओके। ये जो इसकी पावर होती है 1/2, 1/2 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने क्या कर दिया, दोनों को आजादी दे दी और ये खुश हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाऊंगा इसको, क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4π² × L, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जी चाहिए। तो टी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के साथ नीचे जाके ठीक क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो जी इक्वल 4π² L बाय ये जो टी स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ तक बात आ गई, समझ, ओके। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे। इससे पहले मैंने बताया था पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है 3.14 है, तो जी इक्वल आ जाएगा। और ये मैं मून पे निकाल रहा हूँ, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास मून पे निकल रहा है, तो 4π की वैल्यू कितनी है, 3.14। इसका भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेना है, कीप इन माइंड जहाँ एल है लेंथ पे, पहले बता चुका हूँ कितनी दी है, 2.0 मीटर दी हुई है, तो 2.2 लिख सकते हो, 2.0 लिख दो, मर्जी है आपकी है, ओके। और इसको मैं डिवाइड, एम मीटर लगाना है तो लगा लो, अच्छी बात है कि अगर लगा लो, ठीक है। नहीं लगाओगे तो बस आप डायरेक्ट, ये है कि लगा लो, अच्छा है। और बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो यूनिट होता है वो मेरे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर टी टाइम दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ मेरे पास। तो यहाँ मैं सिंपल से क्या ले लूँगा, टाइम भी ले लूँगा, तो यहाँ पर ले लूँगा 7 और सेकेंड यहाँ पे ले लूंगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज आपने गौर की है कि यहाँ पे जो मास था बॉब का, वो कहीं पे यूज है, क्योंकि फार्मूले में मास का जिक्र ही नहीं होता, ठीक है। और ना ही टाइम पीरियड जो होता है वो मास पे डिपेंड कर रहा होता है, फार्मूले में कहीं पे मास का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने बस ऐसे ही आपको बताने के लिए दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। मीन्स के फार्मूले में ये नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो अब क्या करना है, सिंपल इनकी कैलकुलेशन कर लेनी है, और जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी मून पे। और ऑलमोस्ट बुक में है 1.61 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो और जो मेरे पास जो असल में जो मून पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है बच्चों ऑलमोस्ट 1.25, ठीक है, 1.625, ये मेरे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो ये मेरे पास कहाँ पे आ गई वैल्यू, ये अभी जो न्यूमेरिकल की और जो रियल वैल्यू वो ये। इसका मतलब ये है कि मैं इस पेंडुलम के जरिए कहीं पे भी जी की वैल्यू में अगर वेरिएशन आ रहा है तो मैं इसी पेंडुलम के जरिए मैं वेरिएशन देख सकता हूँ, क्योंकि बहुत माइनस एरर है ना इसमें ये। तो मैं अगर कहीं पे भी अगर मैंने जी की वैल्यू देखनी हो, अभी अगर मैं अर्थ की अगर बात कर लूँ यहाँ पर, तो ये अगर मैं अर्थ पे यही वाला पेंडुलम लेके ना 9.8 मेरे पास आ सकता है इसी पेंडुलम को लेके। फिर वही जो पेंडुलम है, आपने उसी पेंडुलम को कहीं और अगर हम ले जाए थोड़ी हाइट पे ले, तो आप देखोगे कि जी की वैल्यू में क्या हो रही है, कमी हो रही होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझना है कि हम इस
टी का फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो हम ग्रेविटी इससे निकाल सकते हैं। आप कहीं पे भी किसी अल्टीट्यूड पे जा रहे हो, आपने देखना है कितनी ग्रेविटी है इस वक्त यहाँ पे, तो आप इजीली इस वाले पेंडुलम के जरिए ही हम जो है ग्रेविटी की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कितनी वेरिएशन हुई। ओके बॉयज, हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।